कोरोना महामारी के चलते इस साल ताजियों का जुलूस भी नहीं निकाला जाएगा। ताजियेदारान व करबला कमेटी मुरादाबाद के साबिक सदर और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मुरादाबाद के वार्ड 63 के कॉरपोरेटर सलीम वारसी ने ताजियेदारों और अजादारान हुसैन से अपील की है कि वो इस साल कोरोना की वबा के चलते अपने अपने घरों में ही नजरो नियाज मजलिसों और ज़िक्र शहीदान करबला की महफिलों का जिस्मानी फासले के साथ और हुकूमत की जानिब से जारी करदा गाइडलाइंस के मुताबिक एहतमाम करें। इस दौरान इमाम बारगाहों में आज़ादारी के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं और रंगो रोगन व सफाई का काम चल रहा है। वाज़े हो कि 16 अगस्त को चांद की 25 तारीख है, इस एतबार से 29 ज़िलहिज्जा 20 अगस्त को होगी और अगर 29 का चांद हुआ तो यकुम मुहर्रमुल हराम 21 अगस्त को और 10 मुहर्रम की तारीख 30 अगस्त बरोज़े इतवार होगी। ये बात काबिले ज़िक्र है कि माह मुहर्रम का आगाज़ होते ही नवासे रसूल जिगर गोशे मौला अली व बीबी बतूल सैयदुश्शुहदा इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व दीगर शहीदान करबला की याद में इमाम बारगाहों और घरों में मजालिस का सिलसिला शुरू हो जाता है और 10 मुहर्रम को ताजियों व पंखों का जुलूस निकाला जाता है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते इस साल ताजियों के जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। पार्षद सलीम वारसी ने बताया, इस साल महामारी पूरी दुनिया के अंदर है कोरोना वायरस की, तो कहीं भी भीड़ इकट्ठी ना हो ताकि एक दूसरे मोहल्ले से एक दूसरे शहर से आकर वो उन मोहल्लों में उन लोगों को वायरस ना दे दे या वायरस ना ले जाए जी। तो इसलिए इसमें हिंदू या मुस्लिम का कोई मसला नहीं है, चाहे वो त्यौहार किसी का भी हो, किसी भी मतलब धर्म का हो जी। कहीं भी इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्रशासन और शासन दोनों ने मुहर्रम पर ये अपील करी है कि मुहर्रम ना मनाएं और कहीं भी जुलूस मुहर्रम का नहीं निकालें कि वायरस से बचें। अच्छा, तो घरों के अंदर नजरों नियाज अपने जो नियाज नज़र है वो बादस्तूर जारी रहेगी जी। इमाम हुसैन आली मुकाम के नाम पर लंगर करें कि कुरान में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मुहर्रम के चांद में अपने दस्तरखान वसी कर दें। सुभान अल्लाह। तो अपने घरों पर भूम नियान नज़र का सिलसिला चांद दिखते ही पहले मुहर्रम से और चेलम तक जारी रखें, मेरी अपील है। और इसके अलावा भी लोगों से अपील है, घर से जब निकलें तो मास्क लगाकर घर से चलें, कहीं भीड़ इकट्ठी ना करें, कहीं 10-20 लोग एक जगह इकट्ठा होकर अगर दूरी बनाएं और मास्क लगाएं मुंह पर और बेज़रूरत घर से बाहर ना जाएं और जब तक 2 दिन का लॉकडाउन है इसका पूरा पालन करें। इसलिए जनहित का मामला है, जनता को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए ये शासन ने लॉकडाउन के आदेश